मेरा नाम अभिषेक, पब्लिक न्यूज चैनल से। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ अंधेरी में, अंधेरी मोरे स्टेट में, और यहाँ पर जो है अंधेरी पुलिस ने एक कार्रवाई की है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है नशे के व्यापार को लेके, और उनके हाथ बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। जो अंधेरी अम्बोली पुलिस स्टेशन बताया जाता है, वहाँ के दयानायक जो है, दयानायक ने ये पूरी अपनी टीम के साथ एक कार्रवाई की है। जो यहाँ पर तकरीबन ये जो कोकिंग जो पकड़ी गई है, वो तकरीबन उसकी कीमत जो है, कीमत बताई जा रही 40 करोड़ रुपया। जी हाँ, 40 करोड़ रुपया। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। और इसमें जितने भी 4 आरोपी हैं, जिसमें से एक महिला है, वो सारे के सारे जो है इंटरनेशनल है, यहाँ के कोई नहीं है। और एक जो महिला है वो ब्राजील की है वो महिला। तो ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए इतनी सारी कोकिंग जो है ना, आप इतने बड़े तादाद में सोचो, ये कितने लोगों की जिंदगी खराब कर दी। जो 40 करोड़ रुपए कीमत ऐसे रखती है, सोचो कितने लोगों की जिंदगी ऐसे जुड़ी हुई थी। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। तो मैं इसके न्यूज के साथ साथ मैं पुलिस जो दयानायक साहब की टीम है, और वो मतलब खुद इस कार्रवाई में थे, तो मैं इनको बहुत बहुत मतलब इस नशे के व्यापार को पकड़ा है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद भी दूंगा। और जैसे एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में भी आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से वो पूरा आपको डिटेल तफसील में जा रहे हैं। वो तकरीबन 38 कोटी कोकीन बरामद के लिए, आणि त्या 38 कोटीचे कोकीनमध्ये 4 माणूस अटक केलेले आहे। ते 4 माणूस 3 नायजेरियन आहे आणि 1 ब्राझीलची मुली आहे। या मोडस ऑपरेंडीमध्ये ते आपले जो पडदे असतात, ते पडदे बाहेर इंडियाचे बाहेर पाठवायचे, आणि त्यांचे पडद्यांमध्ये जो छल्ला असतात, त्या छल्ल्यांमध्ये ते त्यांनी आपला ड्रग्स भरायचे, आणि त्याच्यानंतर ते कुरिअर कंपनीला देतात, आणि कुरिअर कंपनीच्या माध्यमातून ते परदेशात जातो। असेच एक इन्साइडमेंट आता जायचं होता, ते साऊथ आफ्रिका जोहान्सबर्ग जायचं होता, त्यापूर्वी आपण त्यांना अटक केलेली आहे। मैं फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए लाल मोहम्मद शेख, नमस्कार।